सुबह जोहार। और मेरे कार्बी आंगलोंग से लोग मुझे जो देख रहे हैं उन सभी को और सुन रहे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। लेकिन उससे पहले मैं गोंडवाना दर्शन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस बड़े बड़े वक्ताओं के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। उसके लिए मैं नंद किशोर नेताम सर जी का और इतना अच्छा पोस्टर बनाया उन्होंने, तो उनके लिए भी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुहेल सिंह ताराम सर का को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन कि उन्होंने अपने 32 साल के निरंतर प्रयासों से इस गोंडवाना दर्शन की स्थापना देश के अलग अलग हिस्सों से आदिवासियों को जोड़ने का प्रयास किया और विकास और अलग अलग विभिन्न विभिन्न आदिवासियों को जोड़ने का जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय है। और आज भी हम जान सकते हैं कि आज भी हम अपने ही देश में ना जाने कितने आदिवासियों, ना जाने अपने ही भाइयों से हम अपरिचित हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि इस तरह के ग्रुप को आप सभी ने प्रोत्साहन दिया और इस ग्रुप को आगे आपने बढ़ाया। तो कर्बी समुदाय में ये विश्वास है कि हम कुछ भी कार्य करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, किसी एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी एक आदमी के लिए नहीं, सब पूरे समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रकृति के लिए, हमारे वन के लिए, हमारे जल जंगल जमीन सभी के लिए। क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ आप सभी के लिए? आपकी अगर अनुमति हो तो मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। आहिर जुमे हांग लो ना दे अर नाम के मे अर नाम के चौक अर नाम के किम अर नाम के लाख अर नाम कि री अर नाम कि दू अर नाम चार चुंग अर नाम चार चाक अर नाम लोंग री क्रेहिनी अर नाम क्रेहिनी लोंग पात क्रेहिनी अर नाम थान दो आन अर नाम थेली दो आन अर नाम ए जो नेता ने खाया फारमान ने देता फारमान लोंगली लोंगरी पकलाड़ा फान लोंग पात पकलाड़ा फान खाए पकलाड़ा फान देत पकलाड़ा फान नितुमता जो पिथे ओसो पुथे ओसो हेम्फू ओसो मुकराम ओसो कार्बी ओसो करबाबसो सुमसी ओसो सुमसा ओसो अंसो से पिर्थे अलोंग क्लाम अलोंग मिंदार अलोंग प्लान अलोंग के थे चिपार जे दुन में केरे चिपार जे दुन में अंसो से नौमे के वन में मंगमे के वन में लासिपिनी के जो अर्णी के में पुसे अर्णी के चौक पुसी मुसेन अर्णी पुसी मुलोंग अर्णी पुसी हिथी अर्णी पुसी बुरवा अर्णी पुसी निखाया फरमान निदेदा फरमान कार्बी अफरमान कर बागा फरमान अंसो से के क्लेम दुन में अफान के दाम दुन में अफान तिरपी नंग एनपोन तिरफोंग नंग एनपोन जाकोंग नंग एनपोन होरांग नंग एनपोन दे ही दो आन हेपा दो आन हिली दोलोंग ले हेपा दोलोंग ले आंसो से क्लेम में के दाम में कि खी में कि खाम खे कि रॉक में कि रंग में सुमिंदर अदांग सुमसी दो आन सुमसा दो आन अंत में कि क्लेम अरोंग के दाम अरोंग कि खी अरोंग कि खांग अरोंग बुचे अरोंग सोसे अरोंग नींग सी इंथिन सी अंग री सी कि दो अंगतोन सी अपुथाक सोरसार लंगनो मोरसार लंगनो मोरसार लंगनो तंगते नार चारजुंग चारचा कि री कि दू Longri long pat arnam nang tumle arvi is kise kar kisai arvi kisai ar e saida de arnam de ho। तो ये सभी के लिए प्रार्थना था कि हमारे प्रकृति सभी के लिए, सभी प्रार्थना के लिए, हमारे मदर अर्थ के लिए। तो आपको मैं इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं बात करता हूँ कब कर्बी समुदाय के बारे में। असम पूर्वोत्तर की प्रहरी और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार है, यानी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से असम को जाना जाता है।
और इसके साथ अपने संस्कृति, कला, साहित्य और अपने दुर्लभ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आज जो मुझे टॉपिक मिला है मैं उस विषय पे जाऊंगा। अपने विषय से ना भटकते हुए मैं अपने विषय पर बोलना शुरू करता हूँ। कार्बी पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समूह में से एक है, जो असम की सबसे बड़ी पहाड़ी जनजाति है। वह जाति रूप से इंडो मंगोलियट समूह है और भाषा तिब्बती बर्मन परिवार। असम में बोरो मिसिंग के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय भाषा है। भारत सरकार के संवैधानिक आदेश में कार्बी लोगों का उल्लेख मिकिर के रूप में किया गया है। कार्बी आंगलोंग असम का सबसे बड़ा जिला है। 2011 जनगणना के अनुसार कार्बी आंगलोंग में कार्बी जनजाति की आबादी लगभग 4 लाख बताई गई है। कार्बी आंगलोंग में कार्बी आदिवासी समुदाय के अलावा कई और समुदाय भी यहाँ साथ मिलजुल के रह रहे हैं, जैसे दिमासा, नागा रेंगमा, बोरो, गारो, खासी, पाइते, मार, तीवा, राभा इत्यादि। कार्बी समुदाय मुख्य रूप से कार्बी आंगलोंग में निवास करते हैं और अन्य जिलों में भी बसे हैं और अन्य राज्यों में भी बसे हैं, जैसे मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल। और आपको एक रोचक जानकारी बताता हूँ, वास्तव में काजीरंगा जो नाम है, जो कि आपको पता होगा कि काजीरंगा अपने एक सिंह वाले सांड के लिए कितना फेमस है जी, तो उस काजीरंगा शब्द का जैसा कि आज जाना जाता है एक कार्बी शब्द है, जिसे काजीर का गांव तथा काजीर और गांव कार्बियों के बीच में एक महिला का नाम है। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहता हूं, हमारे कार्बी समुदाय में मुख्य रूप से 5 क्लान है, वंश है, जिसे हमारी भाषा में कुर्फो कहते हैं, जिसमें से मुख्य पर तेरांग, तेरोन, इंही, तिमुंग, इंगती। प्रत्येक वंश की भी उपशाखाएं हैं। हमारे समाज में एक वंश में शादी करना बिल्कुल मना है, बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, निषेध है। इस हमारे समाज में शादी के बाद भी लड़कियों का जो सरनेम है वो चेंज नहीं होता है, इसे हम मानते हैं, इसे हम लड़कियों के रेस्पेक्ट के तौर पर शादी होने के बाद भी उसका जो टाइटल है चेंज नहीं होता है, मान सकते हैं ये एक हम अब तक चाहे शादी के बाद भी ये जो टाइटल है ये बदलता नहीं है। जैसे कि कर्बी में अगर लड़की को पहचाना जाए, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस की ज़रूरत नहीं है, जिसमें पी आए, जैसे कि मेरा नाम लॉन्गबेर इंती है, अगर मैं लड़की होता तो पी आए लड़की होता तो पी आए लग जाता, यानी इंती पी हो जाता मैं, तो ये है रोचक जानकारी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कार्बी के त्योहारों के बारे में, पर्व के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से हमारे उत्तर पूर्वांचल में मनाया जाता है और इसको हम बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, वैसे ही कार्बी त्यौहार मुख्य रूप से कृषि संबंधित है। जैसे कि हाचा के कान, सौक के रॉय, चोमांग कान, रोंगकेर इत्यादि। और इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हाचा के कान त्यौहार फसल की कटाई के बाद मौसम से जुड़ा हुआ है, यानी कटी हुई फसल की खुशी में सब नाचते गाते हैं इसी खुशी में। और इसके बाद दूसरे में आते हैं कि सौक के रॉय।
सकेर यानी धान की धुलाई सकेर त्योहार हर कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। पकने वाले धान को काटकर उस स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद इस प्रतिनिधि को एक प्रतिनिधि को चुना जाता है कि वो नाचे गाए, जो प्रतिनिधि हो लीडर के तौर पर उसको लुनसेपो कहते हैं, जो गायक है। इसके बाद चोमांकन जो कि डेथ सेरेमनी, जो कि मुख्य तौर पर एक मान्यता है कि हमारे में मरने के बाद भी हमारे में स्वर्ग और नर्क नहीं है, स्वर्ग और नर्क की अवधारणा नहीं है। हमारे में ये मान्यता है कि मरने के बाद भी चोमरों में जाते हैं, रिकार्नेशन बोल सकते हैं। तो चोमांकन जो है वो है डेथ सेरेमनी। ये त्यौहार मृत्यु को समर्पित है। ये त्यौहार जिसमें मृत्यु की आत्मा को पूर्वजों तक पहुंचाया जाता है। चोमांकन ये समुदाय का सबसे विस्तृत और महंगा सामाजिक धार्मिक समारोह है, जो चार दिनों तक लगातार बिना रुके चलता है, जो सामाजिक धार्मिक समारोह है। इस औपचारिक निमंत्रण त्योहार में आने के लिए आपको किसी स्पेशल इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आप इसमें चोमांकन में आपको आने का मन है तो आप आ सकते हैं। कर्बी मान्यताओं के अनुसार मृतक के बाद भी जीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन स्वर्ग और नर्क, जैसे कि मैं बोल चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हेल एंड हेवन का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। तो इसके बाद जो मुख्य तौर पर हम त्यौहार देखते हैं उसमें आता है रोंकेर, यानी रोंकेर को हम बोले कि रोंकेर इज ए बेसिकली वर्कशिप ऑफ प्रोटेक्टिव स्पिरिट ऑफ विलेज। यानी ये त्यौहार 5 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें ग्रामवासियों के बुराइयों और विपत्तियों से बचने के लिए प्रार्थना किया जाता है, और मुख्य रूप से जो बटा हुआ है रोंकेर वो है वोफोंग रोंकेर, चोंगकोंग रोंकेर, आजो अरोंकेर, लोंगरी अरोंकेर। जैसा कि मैं त्योहार के बारे में बता चुका हूं आपको, कुछ जी गांव की सुरक्षा के लिए, ये गांव की सुरक्षा के लिए किया जाता है रोंकेर। इसके बाद आते हैं हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि कर्बी में कहते हैं कि जब टेक्सटाइल का जिसने डिजाइन किया, जिसने बुनाई कटाई के बारे में बताया, जो एक देवी के रूप में हम मान सकते हैं, जो एक देवी के रूप में प्रकट होके हमें ये बताती है कि देवी हमें बताती है कटाई बुनाई की, जो टेक्सटाइल का जो डिजाइन है अपने पत्तों फूलों पर्वत पहाड़ों से हमें ये हमें आविष्कार करके हमें बताती है, हमें कर्बी समुदाय को, ऐसे मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोक कथाओं में इसका जिक्र है। तो मैं आपको बताता हूं जिसमें हमने चित्र के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मैंने बनाया है चित्र का सिरदिहुन, जो कि एक देवी के रूप में जिसने बताया हमारे कर्बी समुदाय को कि किस तरह बुनाई और कटाई की जो कला है, जो सिखाने का, जो हमें सिखाने का कह सकते हैं कि हमें बताया अपने पहाड़ों, अपने फूलों, अपने वनस्पतियों, अपने पेड़ पौधे, रंगों का भी कह सकते हैं, इसमें रंगों का भी आविष्कार जो उन्होंने किया है वो कह सकते हैं कि सिरदिहुन ने। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इसको प्रकृति से जोड़ने का कोशिश किया है। इसके फूल आप देखेंगे, गुलाब के फूल, इनके जो बालों को मैंने प्रकृति से जोड़ा है,
कह सकते हैं हम हमारे आदिवासी समुदाय में कह सकते हैं ये एक देन की तरह है, हमारे पूर्वजों ने हमें ये एक कह सकते हैं एक गिफ्ट के तौर पर हमें सिखाया है, एक कह सकते हैं हमें ये हमारे गिफ्ट के तौर पर है हमें एक, इसे मैंने कोशिश की है और इसमें जो मैंने जो मैंने प्रयोग किया है रंगों का वो प्राकृतिक रंग है, जिसमें मैंने पत्तियों को पीसकर आप कह सकते हैं टर्मरिक को पीसकर, अलग अलग फूल, अलग अलग पेड़ के छिलके, अलग अलग आप देख सकते हैं प्रकृति से जो रिलेटेड उसको मैंने अपना एक कलर इजाद किया अपने पूर्वजों से सीखकर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने अपने कला अपने संस्कृति को किस तरह संरक्षण किया, हम देख सकते हैं आज भी गुफाओं में हम आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भी संरक्षित है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं आज भी देखने को मिल जाता है, हम गुफा में देखेंगे या किसी पत्तों में आज भी इसके शिलालेख में देखेंगे, आज अभी हम म्यूजियम में जाएंगे इसका आज भी कह सकते हैं इसका आज भी अस्तित्व आज हम देख सकते हैं म्यूजियम में इसका पूरा। तो इसी तरह इसकी कोशिश की मैंने, इसका ही मैंने दूसरा बनाया है अपने कल्पनाओं के कारण, आप देख सकते हैं सिरदिगुन कि किस तरह वो प्रकृति से हम कह सकते हैं हम प्रकृति को हमने गुरु के तौर पर माना है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने बादलों से फूलों से और अलग अलग रंगों से सीखा है हमारे देवी ने सिरदिगुन ने, जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह सिरदिगुन ने हमें पे अमांग कहते हैं ये हमें बताया, बुनाई की कला सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा मैम। इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पे ले जाना चाहूँगा विदाउट डिले। आशा करता हूँ आप सभी को सुनाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ आज, ये मेरा पहला कह सकते हैं पहली बार है मेरा, तो थोड़ा ठीक है तो मैं शुरुआत करता हूँ। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं ये करबी विवाह के बारे में, जिसे आर्लिंग में जैसे करबी समुदाय में इसे आदाम आसार कहते हैं, आदाम आसार, जी हाँ। करबी समाज में नीफ की भी संस्था पर टिका है। करबी समाज में विवाह परंपरा या विवाह करने का रिवाज जो है कहते हैं हेम्फू, यानी जो क्रिएटर है हेम्फू मुकरंग रासिंगजा जो क्रिएटर है अर्थ का, तो ये करबी मान्यताओं के अनुसार कहते हैं खुद करबी समाज में विवाह की जो परंपरा है वो खुद हेम्फू यानी देवता खुद देवता ने शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि हेम्फू यानी देवता कार्बी लोगों के बीच लांगमिनपो यानी एक भाई के रूप में पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी बहन की शादी रासिंगजा की शादी रंगमुकरांग से कराए, और इस तरह कह सकते हैं कि विवाह का जो कार्बी समाज में औपचारिक रूप से संपन्न पहला विवाह जो माना जाता है वो कहते हैं इस रासिंगजा और रंगमुकरांग का नाम से माना जाता है, और आदामासार को यानी विवाह को हम मुख्य रूप से 6 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो मैं पहला बोलता हूं, पहला जो चरण होता है वो निंगपी निंगसो कचिंगवाई, निंगपी निंगसो कचिंगवाई जी हाँ के नाम से जाना जाता है। इसमें लड़के की जो माँ है वो मिलकर सामने शादी की बात रखती है, और जो अगला चरण है वो है पिसो केहांग में होता है। इसमें लड़के के परिवार वाले औपचारिक रूप से इसमें लड़के के परिवार वाले पिता से लड़की का हाथ मांगने जाते हैं। जो तीसरा चरण है के पत्नी, इसमें लड़के के परिवार वाले अंतिम रूप से सहमति पूछी जाती है कि
जो जो कहते हैं ओंग, जो कर्बी में ऐसे मान्यता है कि ओंग 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 असुपी से है, नहीं यानी मामा की लड़की ओंग असुपी है लो, ओंग पे नी असुपी ने नी असुपो है लो मीना है, यानी मामा के जो लड़की मामा की जो लड़की है उससे अगर हम शादी करें तो इसे शुभ माना जाता है। जो तीसरा चरण है, परिवार वाले लड़की के घर जाते हैं और शादी की जो तारीख है वो तय करते हैं, तो उसे हम अजो अर्णी के फा क्या कहा है, आदम कंथुर, यानी शादी वाले दिन इसमें शादी को मुख्य हिस्सा संपन्न होता है और शादी की अगली सुबह एक अनुष्ठान होता है, कहते हैं वूर के माथा कहते हैं, कहा जाता है इसमें इसके अंतर्गत पूजा होती है और बाद में दुल्हन का पिता दुल्हन को अपने पति के घर यानी ससुराल चलने के लिए कहता है। एक तरह से कहें तो लड़की की विदाई के रूप में से कह सकते हैं हम कि, और जो उसके बाद जो चरण है अंगदेंग के चौक कहते हैं जिसे हम, इसके बाद पिसो रिसो के, हाँ ये जो आखिरी चरण है जो अंतिम चरण है इसमें होता है, पिसो रिसो में कहते हैं जो शादी के बाद यानी मान सकते हैं कि शादी के बाद एक हफ्ते बाद लड़की अपने कपड़ों को शादी के बाद अपने ससुराल में जो लेके गई है वो वापिस यानी अपने माँ के घर में वापिस लाती है, तो इसे कह सकते हैं जी। जी इसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि अपने आगे यानी चित्र के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अपने चित्र के माध्यम से कि समुदाय में कह सकते हैं सपनों का भी बहुत महत्व होता है, कहते हैं सपनों एक कह सकते हैं कि सपनों एक सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसे पता चलता है हमारे आगे के बारे में, पता चलता है कि हम किस तरह जाए, किस तरह इसको आगे बढ़ाएं, किस तरह ये हमारे लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है, इसके बारे में अगर हमको जानना हो, अगर एक तरह से ये किंवदंतियाँ ये एक हमारे लोक कथाओं में इसका जिक्र है कि हमारे ड्रीम जिसे सपनों का महत्व है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन में कहूँगा तो मैं हमको सपनों का महत्व मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे कामों में, मेरे चित्र में, मेरे आप देख स्केच में आप ये अक्सर पाएंगे कि सपनों का महत्व है, तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ के ऊपर में है, इसे हम कह सकते हैं कि हेमताप, इसे कर्बी भाषा में हेमताप कहते हैं, जो पेड़ के ऊपर में टेम्पोरी रूप में, परमानेंट नहीं लेकिन टेम्पोरी रूप में इसे हम हेमताप, जो खेत खलियान को अगर देखना हो, जिसकी रखवाली करनी हो तो हम इसको हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम खेत खलियान को अपनी सुरक्षा के तौर पे देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, रात का जिक्र है, आप देख सकते हैं रात का ये जो मैंने पेंटिंग बनाया है इसका नाम मैंने रोंगबिन रखा है, कहते हैं रोंगबिन यानी एक रहस्यमय गांव, ऐसा कार्बी समुदाय में आज भी ऐसे मान्यताएं हैं कि एक रहस्यमय गांव है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते और ये मान्यताएं हैं, तो मैंने इसका एक काल्पनिक रूप में चित्रण के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, धन्यवाद। जिसमें अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सपनों का जो महत्व है और सपनों को जो बांटा गया है
किस जो बांटा गया है, मैं आपको बताऊंगा सपनों के बारे में। हमारे समाज में सपनों का बहुत महत्व है। हम सपनों के कई अर्थों में अर्थों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, और हमारे में ये माना जाता है कि सपने तीन प्रकार के मुख्य होते हैं, जिसे कहते हैं मांग जागरे, जो कि पॉजिटिव सपना होता है, जिसे सकारात्मक संबंध होता है, जिसका वास्तविक जीवन से सकारात्मक संबंध होता है, उसे मांग जागरे कहते हैं, जैसे हम। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है मांग काय। मांग काय यानी जिसका वास्तविक जीवन से कोई मेल नहीं है। सपोज आप मान लीजिए कि मैं अपने हाथों से हाथी को एक हाथ से उठा रहा हूँ, जिसका वास्तविक जीवन में कोई मीनिंग नहीं है। जो इस तरह के जो सपने होते हैं उसको मांग जागरे कहते हैं। अच्छा, अब तीसरे तरह के जो सपने होते हैं, वो है मांग फूमेंग, यानी जिसका वास्तविक जीवन में कोई अर्थ नहीं है होता है। और हमारे में सपनों को देवता या पूर्वजों के संदेश के रूप में जीवन में कई महत्वपूर्ण अर्थों में समझा जाता है। इसलिए सपनों को कह सकते हैं एक ज्ञान सूचना और प्रेरणा महत्वपूर्ण स्रोत की तरह हम कह सकते हैं। सपनों को सांकेतिक रूप में भविष्य की सूचना दे रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं हम। और अप्रत्यक्ष रूप में भविष्य की अनकही घटनाएं जो आने वाली है, जिसका मार्गदर्शन हमें कर रहे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं, जो हम इसके जरिए हमें बताया जा रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि कहते हैं सपनों में अगर हम खट्टा खाएं तो हमें थोड़ी सी गाली सुनने को मिलती है, इस तरह कह सकते हैं। या इसका कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और प्रत्येक पेड़ और पौधों को अथवा किसी हिस्से को अपना अलग अलग अर्थ में कह सकते हैं, मान सकते हैं। और इसका मतलब, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर हम एक बच्ची को देखें अपने सपनों में आगमन होते हुए देखें, तो ये बीमार होने का एक प्रतीक होता है। या खुद को नग्न अवस्था में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं हमको कहीं शर्मसार होना पड़ेगा, कहीं शर्म खाना पड़ेगा। इस तरह की मान्यताएं अब भी प्रचलित है, और हम इसको एक कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अभी भी ये प्रचलित है हमारे लोक कथाओं में, लोकगीतों में। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज ऐसा हमें बताया करते हैं। इसके बाद मैं अपने चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सबको पता है कि हम हैं, और इसी को प्रतीक के रूप में, इसी को इंस्पिरेशन के रूप में मैंने अपने दादी को समर्पित, अपने नानी को समर्पित करते हुए, अपने बुजुर्गों को समर्पित करते हुए मैंने ये चित्र बनाया है। इसको अब मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये नानी मेरी नानी है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इयररिंग है, इसे कर्बी भाषा में नोथेंगपी कहते हैं, नोथेंगपी। और अब भी जो आप देख सकते हैं, ये दुख इसे बोलते हैं, जो फेस टैटू जो कह सकते हैं, आज भी ये एक लाइन की तरफ से, जो यहाँ से जो यहाँ तक जो लाइन रहता है, अभी भी टैटू के तौर पर हम देख सकते हैं। अभी भी ये कल्चर जो है ये अपनाया जाता है आज भी, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके दादी माँ की लाइनिंग के जरिए देख सकते हैं वो कितनी खुश है, आज भी कितनी खुश है वो। और हमने तो सीखा है सीमित चीजों में खुश रहना, हमने तो सीखा है अपने जल जंगल जीवन, अपने पर्वतों, सीमित चीजों से हमने खुश रहना सीखना है। हमने ज़्यादा की कभी मांग नहीं की, हमने इंसानियत को हमेशा बढ़ावा दिया है। हमने सीखा है अपने बुजुर्गों से कि हमने सच्चाई का मोड़ अपनाना है। हमने सीखा है अपने बुजुर्गों से कि किस तरह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अपनी जानकारी, अपनी लोक संस्कृति, अपनी लोक कथा का संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण
के तौर पे मैं कह सकते हैं, ये जो चित्र मैं बना रहा हूँ इसे कह सकते हैं एक सांस्कृतिक संरक्षण अपने कार्बी समुदाय, ना सिर्फ कार्बी समुदाय, अपने पूरे पूर्वोत्तर राज्य की जो ट्राइबल है, अपने भारत, अपने पूरे विश्व के जो ट्राइबल और अपने को जोड़ने का, अपने स्तर पर जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास मेरे कला के जरिए। धन्यवाद। मैं जी, और इसी को मैंने चित्रण करते हुए अपने सिर्फ और सिर्फ कलम से इस चित्रण को बनाया है। आप दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं, ये दादी जो दिख रही है इसे फी कहते हैं, फी 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 सार पी, यानी फी मतलब दादी नानी दोनों के लिए जो यूज करते हैं हम दोनों के लिए। ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि पिता के तरफ से है तो ये दादा या दादी, इस तरह नहीं। फी यानी फी दोनों के लिए प्रयोग होता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने दिखाया है, कोशिश की एक छोटी सी कि किस तरह अपने सीमित साधनों में आज भी हमारे पूर्वज कितने सीमित चीज़ों में खुश रहना सिखा है। आज देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के करते आज कितना सब कुछ बदल गया है, आज सब कुछ बदल रहा है, हर क्षेत्र में बदल रहा है। जी शुक्रिया प्रमोद जी। अब मैं अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि कार्बी जाति में जो जनजाति में जो लोक विश्वास है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। कार्बी जनजाति में अनेक प्रकार के लोक विश्वास प्रचलित है, उसमें से मैं कुछ को कहना चाहता हूँ। जैसे उल्लू अथवा शियार के चिल्लाते हैं तो इसको अर्थ में हम बोल सकते हैं कि कई संकेत आने वाला है। जैसे कह सकते हैं परिवार में किसी की मृत्यु तक हो जा सकती है, ये कह सकते हैं। और दूसरा जो लोक विश्वास है ये भी है कि यात्रा के समय में अगर बिल्ली अथवा सांप अगर रास्ता काटे तो यात्रा भंग होता है, या बिल्ली और जोर से चिल्लाने लगती है तो संकेत, तो कह सकते हैं शुभ आरंभ नहीं कहते हैं। ऐसा कि सब में भी होता है शायद ऐसा। जी और बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, कार्बी जनजाति में विनिमय प्रथा, पूर्वोत्तर की लगभग सभी जनजातियों में विनिमय प्रथा का प्रचलन है। कार्बी जनजाति में विनिमय प्रथा है, विशेष रूप में कृषि कार्य में भी एक दूसरे को सहायता करते हैं। पठार से धान काटकर घर लाने में सहायता करने के लिए गृहस्थ अपने समाज को बिनती बत, जैसे कि कहते हैं पान सुपारी यानी बांता बिथि यानी पान तमुल, कर्बी में कहें बांता और बिथि को पान तमुल कहते हैं, जैसे कि पैसे और सुपारी और पान को देके, पान सुपारी को देकर पैसा देकर अनुरोध किया जाता है एक निश्चित दिन में समाज के लोगों श्रमिक के रूप में जाते हैं और काम के अंत में सामूहिक रूप में रुपए दिए जाते हैं। गृहस्थ अपनी इच्छा से रुपए देते हैं, श्रमिक वर्ग कोई जोर जबरदस्त नहीं करता इसमें कि जो अपने मन से जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, ऐसा कोई जी। इस प्रकार से जो धन का जो संग्रह होता है, धान का जो संग्रह होता है वो कह सकते हैं वो गांव के उत्सव और अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से खर्च किया जाता है। और किसी के घर में जब मछली मारना या तालाब में पकड़ना हो, सब इसमें मदद करते हैं। और ये सब होने के बाद इसे कह सकते हैं इसे मिल बांट के खाते भी हैं और इसे
से जो इसमें जो मदद करते हैं मछली पकड़ने में, उसको एक रेस्पेक्ट के तौर पे हॉर अलांग कह सकते हैं, राइस बियर दिया जाता है एक रेस्पेक्ट के तौर पे, तो इसे हम कह सकते हैं। तो और अगर हम दूसरी बात करें कि कोई विधवा स्त्री जो शारीरिक अथवा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, वो समाज को अपने किसी काम में मदद करने के लिए समाज के अधिकारी में, जैसे कि उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा, सहायता चाहिए होगा, तो वो मदद मांग सकती है। जैसे कि गांव बुरा या कह सकते हैं साथे यानी गांव का जो विलेज का जो हेड होता है, उसको उसे अगर सहायता मांगते हैं तो वो ज़रूर उसका अनुरोध को मानते हैं, और अनुरोध करने के बाद वो निश्चित दिन तय करके उनकी जो मदद करते हैं। और इस तरह देख सकते हैं गरीब और सभी वर्गों में किसी को भी सहायता अगर चाहिए हो तो इसका ज़रूर कह सकते हैं, ज़रूर उनका मदद किया जाता है। अब मैं समुदाय में जो कह सकते हैं पूजा उपासना धर्म के तौर पे कह सकते हैं आप, एग्जैक्टली धर्म देना धर्म के तौर पे भी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकृति जो कार्बी समुदाय है वो प्रकृति के पूजक हैं। जी हाँ, प्रकृति के पूजक है कार्बी समुदाय। ये मानते हैं कि प्रकृति के हर कण कण में भगवान है, और इसे हमारे लिए कोई विशेष अनुमति नहीं है कि हम इसको पूजा करें। ये सभी रूपों में प्रचलित है, सभी में भगवान है। और हम अगर माने तो ही अर्णाम यानी कह सकते हैं कि अगर इस संसार में अगर अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी आत्माएं भी हैं, यानी यिन एंड यांग का कंसेप्ट अगर हम देखें कि जैसे कि महत्व है दोनों का। अगर जैसे कि आपको मैं इजी आसान शब्दों में कहूँ, अगर रात है तो दिन भी है। रात का महत्व तभी होगा जब दिन है, दिन रात के बिना दिन अधूरा है, दिन के बिना रात अधूरा है। उसकी जो अच्छाई है तभी होगी जब रात होगा। तो इस तरह कह सकते हैं, इस तरह की जो पद्धति है इसको हम मानते हैं, और हम प्रकृति के पूजक हैं। आज भी हम प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति के रूप को मानते हैं, हर रूप को मानते हैं, पहाड़ से लेके मेअर्णाम, सिनिंगअर्णाम, लांगअर्णाम, अजत अर्णाम दुला, मतलब ऐसा मानते हैं कि सभी में भगवान है। तो इस तरह कह सकते हैं प्रकृति दोनों को पूछते हैं हम अच्छाई को भी पूछते हैं, इसकी बुराई को भी पूछते हैं, दोनों का। इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमको भगवान को पूजे जाने पर हमें किसी निश्चित रूप में, कि इसका लोभ नहीं है कि आप हेल में जाने मिलेगा, हेवन में जाने मिलेगा, नहीं। नर्क और स्वर्ग का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो इसी तरह है, जिसको हम कह सकते हैं हम जो है ये कंटिन्यू रहता है मरने के बाद भी। तो हम प्रकृति के इस रूप को पूछते हैं आज भी हमारे कार्बी समुदाय। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा इसी को मैंने चित्रित रूप में, कि हमारे कार्बी समुदाय में जो प्रकृति की जो चित्रण है, जो प्रकृति को जो पूछते हैं हम, कि प्रकृति हर कण कण में बसता है, हर जगह बसता है। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं इसी को मैंने चित्रित रूप में, काल्पनिक रूप में अपने चित्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह हम जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं अपने प्रकृति से, अपने वन से, अपने जल से, अपने जमीन से, हम सभी रूप में हम। और लास्ट में आप देख रहे हैं किस तरह हम एक हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मैंने बनाया है ये बॉन्क्रॉक कहा जाता है इसे, और देख सकते हैं इसमें प्रतीकों का जो देख सकते हैं वो जारो, इसे बहुत महत्व दिया जाता है सभी को, देख सकते हैं आप उसका पूरा महत्व है, आप शायद देख पा रहे हैं इसको। जी,
इसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा खान पान में, कि कर्बी समुदाय में किस तरह के खान पान को हम अपनाते हैं, जिसमें कह सकते कांगमोए कहते हैं, उबला हुआ कांगमोए खार के रूप में इसे कहते हैं, खार मिलाकर, काला तिल मिलाकर, खार कांगमोए कलांगदांग, जो आपने, आपको पता होगा, वन ऑफ द मेरा फेवरेट भी है उसमें से, आप कह सकते हैं जो बेम्बू शूट कहते हैं, आप भी पता होगा जो जी, जिसे हम बेम्बू शूट को हैन उप कहते हैं, हैन उप जी जी हैन उप कहते हैं, और बहुत पसंदीदा है ये, आप देख सकते हैं हमारे आदिवासी समुदाय में, जो आप खाने का जो जो टेस्ट है वो आप देखें, जो मुख्य धारा के जो साइड है जो, उससे थोड़ा अलग है, हम यहाँ पे तेल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करते, तो आप देख सकते हैं जो कांगमोए कलांगदांग हैन उप से जो, और स्पेशली आप, मैं आपको बता, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी मेंथू, मेंथू यानी सूखी मछली भी हम बहुत शौक और चाव से खाते हैं इसे, और आप देख सकते हैं मुख्य तौर पे कह सकते हैं हम इस तरह के खान को आज हम खाते हैं। और इसके बाद जी हाँ, बांस की संस्कृति जी हाँ, तो इसके तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज देख सकते हैं, आज भी हम कितने अनजान हैं, आज इस तरह के ग्रुप, इस तरह के पत्रिका से हम सारे युवा जो देख रहे हैं हमें, जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबर कन्याकुमारी तक जो हम हमें देख रहे हैं, हम सारे भाइयों को एक एक साथ एकजुट होकर जुड़कर हमें आगे आने की ज़रूरत है। जब हम एक साथ आएंगे, एक साथ हम अपने सवालों को उठाएंगे, जब आज हम एक साथ अपने बातों को रखेंगे सबके सामने, तभी मैं समझता हूँ हम अपने बातों को रख पाएंगे। आज हमें ज़रूरत है, आज हमें सभी लोगों को एकजुट होकर आने की, सामने आने की, तभी हम कह सकते हैं एक साथ हम आ सकते हैं, एक साथ अपने समस्या का हल, जल जंगल जीवन जमीन का, हम अपने पर्वतों को देख सकते हैं कितना खनन हो रहा है, प्राकृतिक प्रकृति से रिलेटेड बहुत, अभी आप देख रहे हैं महामारी, आप कह सकते हैं पेंडेमिक, ये एक भयावह रूप है प्रकृति का, कह सकते हैं एक तरह से सांकेतिक रूप है हमारे लिए, कि हम अभी संभल जाए, अभी भी हमें ये सचेत एक तरह से कह सकते हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि अभी भी हमें संभलने का मौका है, हम अपने जो भी हमसे भूल हुई है हम उसे संभालें, अपने मिस्टेक को सुधारें, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज हमें सामने आने की जरूरत है जी। जी सर, आपने सही फरमाया, तो आपको मैं अभी अपने चित्र के माध्यम से अपने दूसरे चित्र को दिखाकर उसके बारे में प्रस्तुति दिखाना चाहता हूं। ये देख सकते हैं, आज भी कर्बी समुदाय में मुख्य रूप से अपने कृषि पर ही निर्भर है, अपने वनस्पति पर ही निर्भर है, आज भी देखेंगे, आज हमसे जो वादा किया जाता है मुख्य धारा से, हमारे हम पे कह सकते हैं, ये जो हमें वादा किया जाता है विकास के नाम पे, कि हमारे यहाँ विकास होगा, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो कथनी और करनी में जो अंतर है देख सकते हैं, वो है नहीं, हमें विकास के नाम पे झूठा दिलासा दिया जाता है कि हम इसकी आस लगाए रहते हैं कि हमारे यहाँ विकास होगा, हमारे यहाँ भी हमें भी शिक्षा का कह सकते हैं जी मैम, कोशिश कह सकते हैं शिक्षा लाभ मिलेगा कह सकते हैं, लेकिन हम इस आस में ही रह जाते हैं, हमसे ये कहने तक ही सीमित रह जाता है, ना कि
कथनी करनी में कह सकते हैं बहुत फर्क होता है, हमसे ये वादा ही वादा तक ही ये सीमित रह जाता है आप कह सकते हैं। इसी चीज को मैंने चित्रित रूप में और दिखाया कि अपने आर्थिक व्यवस्था को आप देख सकते हैं, अपने सराउंडिंग को मैंने, जी हाँ, विकास के नाम पे हम पे विनाश हो रहा है, हमारे ही प्रकृति को खनन आप देख सकते हैं, लाखों की संख्या पे आज हमारे पेड़ कटाई हो रहे हैं आप देख सकते हैं, असम में आप देख सकते हैं बाढ़ की जो प्रॉब्लम है, बाढ़ की जो समस्या है आज इसको मुख्य धारा के जो न्यूज है उससे हमसे धुंधला किया जा रहा है कह सकते हैं। आज देख सकते हैं आज आप काजीरंगा में, आप कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक एक सिंह के लिए फेमस है, एक वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस, आप देख सकते हैं वो पानी के स्तर के बहुत भर जाने के कारण, बाढ़ की बहुत बुरी स्थिति में आने के कारण आज हमारे वनस्पति, आज आप सुन सकते हैं असम बाढ़ का जिक्र कितने न्यूज चैनल करते हैं आप देख सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं किस तरह हमसे अलग किया जाता है। आसाम को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, आप देख लीजिए कि आज अपने ही इस तरह की न्यूज को दिखाया नहीं जाता है, दिखाते हैं भी तो है उस तरह का इन्हें मौका नहीं दिया जाता है जिस तरह का इनको मिलना चाहिए था, एक न्यूज में जो एक स्पेस मिलना चाहिए था कह सकते हैं उस तरह का मिलता नहीं है। इससे आप देख सकते हैं हमारे वनस्पति से लेके हमारे पेड़, हमारे वन से लेके पशु पक्षी सब मर रहे हैं, आप देख सकते हैं हालत कितनी गंभीर और बहुत ही दुखनीय है आप देख सकते हैं। तो मैं, अगर आप अभी कोई देख रहा है सरकार की तरफ से या कोई, उससे मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि आप एक, जो कि निरंतर, आज ये एक किसी एक साल की बात नहीं है, निरंतर आप देखेंगे कि निरंतर बाढ़ की जो समस्या है वो बहुत बढ़ चढ़ कर आ रही है, हर साल इससे हम जूझते हैं पर ये हर साल जैसे कि एक त्यौहार की तरफ बन गया है कि ये हमारे जीवन में एक आधार बन गया है कि बाढ़ से हमें जूझना सीखना पड़ेगा, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन की ओर हम नहीं जा रहे हैं इस तरह कह सकते हैं। तो देख सकते हैं ये एक नॉर्मल सराउंडिंग का जो चित्रण मैंने किया है, जो देख सकते हैं बच्चा, एक छोटी सी बच्ची और माँ, कितने कितने शांत और एकांत, कितने शांत शांति से अपने सीमित चीजों के साथ कितने खुश हैं आज भी, ज्यादा की मांग नहीं है, जो है हम उसमें खुश हैं आप देख सकते हैं। हम सोचते रह जाते हैं इस तरह की, मैंने एक चित्रण किया है कि आज भी देख सकते हैं हमारे आदिवासी समुदाय आर्थिक रूप से भी, कई रूप से भी हम एक तरह से कमजोर किया जा रहा है एक तरह से कह सकते हैं। तो मैंने जैसे चित्रण के माध्यम से एक बताने की कोशिश की है अपने आर्थिक समस्याओं को। इसके बाद मैं अपने दूसरे चित्र पे जाऊंगा, देख सकते हैं जो समस्या है जो अभी जो महामारी में देख सकते हैं जिसका चित्रण किया है मैंने, दो भाई बहनों का, कि कितनी खुश है जी, धन्यवाद। और इसी से रिलेटेड मैंने दिखाया है कि चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि हमने किसी को अलग नहीं माना है, हमने जानवरों को, हमने पेड़ पौधों को, हमने मनुष्यों से लेके हर एक कीड़े मकोड़े तक को हमने समान रूप में माना है, हमने किसी को हीन भावना से नहीं देखी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी चीज को प्रस्तुति के रूप में अपने कलाओं के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद मैं अपने दूसरे चित्र में जाऊंगा, देख रहे हैं इसको बनाने में मैंने पेन का, सिर्फ और सिर्फ पेन का प्रयोग किया है, हालांकि ये जो पेंटिंग है जो मैंने जो बनाया है ये जो ओरिजिनल
नहीं है, इसका मैंने प्रिंट आउट किया आपको दिखाने के लिए, ताकि जो रियल प्रिंट आउट है वो बहुत ही बड़ा है, तो आपको दिखाने के तौर पर मैंने ये इसका प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं इसे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे और ज़रूर अपने बातों को सामने रखेंगे और ज़रूर इसको हम आगे बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपने अपने सबका साथ देकर ही इस चीज़ का हम समाधान में जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आता हूँ अपने कुछ इसी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, हमें आखिरी दम तक अपने हक के लिए संरक्षण के लिए लड़ना चाहिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करना चाहिए। जो साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ जो विरोध हुआ है, जो जिसमें अगर कुछ गलती है खामियां है, उसका हमें विरोध करना चाहिए और इस पर कोशिश करना चाहिए कि हम अपने सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए क्या करें। हम अपने कविता, हम अपने लेख, हम अपने निबंध, हम अपने म्यूजिक के तौर पे कह सकते हैं, गान के तौर पर कह सकते हैं, लोक कथाएं के तौर पे कह सकते हैं, अपने संरक्षण का पूरा इसका कह सकते हैं, अपने तौर पर हम अपनी पूरी कोशिश करें। और अभी जो क्या कहना चाहूँगा, जो साहित्यिक तौर पर कह सकते हैं कि जो अभी जो स्टेटस है, जो लिटरेचर का कार्बी कह सकते हैं, कार्बी साहित्यिक की जो अवस्था है, कह सकते हैं कि 19 कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद, जो हम 19 कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद जो हुआ है, कर्बी ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ, इसके बाद कई और संस्थाएं जुड़ी, इससे संस्थाएं का नाम कार्बी लम्मेत अमाय है, इसमें अभी जो नए हैं युवा पीढ़ी जो इसमें जुड़े हैं, जाम्बली लिटरेरी फाउंडेशन कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं सेंटर फॉर कार्बी स्टडीज, जिन्होंने कहना चाहूँगा धर्म सिंह रोंगहा धर्म सिंह तेरौन सर जी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हमारे जॉय सिंह सर इसमें ऑन तेरौन, और मैं कई दिग्गजों का नाम लेना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी मेरे मन में नहीं आ रहा। लेकिन कह सकते हैं कर्बी भाषा तो है लेकिन इसकी अपनी लिपि नहीं है, या लिपि नहीं होने के कारण जो हमारी मौखिक संस्कृति है, कह सकते हैं हमारे कर्बी समुदाय में जो ओरलिटी है उसका बहुत भरपूर है, जो भंडार कह सकते हैं लोक कथा फोकलोर का जो भंडार है कह सकते हैं बहुत है, लेकिन कह सकते हैं हमारे जो पूर्वज और हम तक ये एक मौखिक तौर पर ही हमें हमारे पूर्वज बताते गए। फिर 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच कह सकते हैं हमने अपने आने वाले जनरेशन को प्रिजर्वेशन करने के लिए हमने रोमन स्क्रिप्ट का अपनाया। अभी हम भाषाई तौर पे हम कर्बी भाषा में बात करते हैं लेकिन हमें अपना लिपि नहीं है, हमारे पास अपना लिपि नहीं है। इसके लिपि होते भी होंगे या है भी, लिपि है भी, कुछ छूट गए हैं जिनका है भी नहीं, कुछ है कुछ नहीं है, तो इसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते लेकिन है ज़रूर। तो इस तरह कह सकते हैं हम अभी रोमन स्क्रिप्ट का ही जो प्रयोग कर रहे हैं अपने 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 बातों को लिखने के लिए, आप देखेंगे आइए तो। और इसमें कहेंगे कि अभी भी जो जो पढ़ाई हो रही है स्कूली तौर पर, वो क्लास 8 जो स्कूली जो पढ़ाई हो रही है वो क्लास 8 तक हो रही है। अभी ये एक बहुत खुशखबरी है कि क्लास 10 अभी अगले 2021 से ऐसा कहा गया है कि 2021 ये प्रयास निरंतर प्रयास किया गया है कि जल्द ही इसे 10वीं कक्षा ना सिर्फ 10वीं कक्षा परंतु 12वीं कक्षा तक यानी कॉलेज स्तर पर इसे अपनाया जाएगा, इसे प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी मेरी गुजारिश है कि ये ज़रूर सफल होगा, ऐसे मैं मनोकामना करता हूँ इस तरह की। और मैं
कि कहूँ कहना चाहता हूँ कि आखिरी जो हमारे कार्बी समुदाय में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जिसकी हम मांग कर रहे हैं, जिसे हम अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही तो मांग रहे हैं, जिसे 244 आर्टिकल 244A में इसका जिक्र है, बस इसकी हम मांग कर रहे हैं। जो ये निरंतर इसको इस आंदोलन को रोके हमारे कर्मी समुदाय सक्रिय रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हम जो मांग कर रहे हैं, आशा करता हूँ उसकी भी जो पूर्ति होगी इसमें आपका सहयोग होगा, इसका जुड़ा पूरा प्रयोग होगा, ताकि हम अपने प्रकृति को, ताकि हम अपने पहाड़ों को, ताकि हम अपने जल जंगल जमीन की जो सुरक्षा है कर सके। आप समझ सकते हैं जब किसी आदिवासी या किसी अपने अपने ही लोग को अपने जंगलों से बेघर कर दिया जाता है, आप समझ सकते हैं उसकी जो अवस्था है कितनी दुखदायी है, आप समझ सकते हैं इसका दर्द। लेकिन आज साथियों, आज वो वक्त आ गया है कि हम सबको अपने स्तर पर पूरी कोशिश करनी होगी। जी, इसके बाद मैं अपने बातों को आखिरी मोड़ पर ले जाते हुए कहना चाहूँगा कि जो प्रत्येक अपने बातों को आखिरी में कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि प्रत्येक जाति अथवा जनजाति की संस्कृति उसकी पहचान होती है, और समय जिस प्रकार से आप कह सकते हैं समय जिस प्रकार से प्रवाहमान है और उसी के अनुरूप सभी चीजें परिवर्तित होती है। परिवर्तन समय का नियम है और चीजें परिवर्तित होती जा रही है, और लोक संस्कृति परिवर्तित समय और समाज के साथ अपना सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ाती रहती है। ये बात कार्बी जनजाति की संस्कृति के साथ भी सटीक बैठती है। अपने परंपरागत नियम रीति रिवाज बैठकर कार्बी सामंजस्य जो बैठाने का जो प्रयास किया है अपने अपने लोक संस्कृति को, जिसमें अपने परंपरागत नियम रीति रिवाज विश्वास खान पान वेशभूषा आभूषण आदि सभी चीजों में समय के चलते परिवर्तित होते आया है, और फिर भी इतनी संस्कृति परिवर्तित होते आई है, फिर भी इनकी संस्कृति अपने आप में अनोखी है, और इसे हम कह सकते हैं संस्कृति बचाए रखने का संरक्षण हमें करना चाहिए। और आशा करता हूँ कि हम इसी तरह ना सिर्फ यहीं तक हम रुके, इससे आगे भी हम अपने और से अपने लोगों ना सिर्फ अपने लोगों का एक अच्छे इंसान के तौर पर हम अपने जो हमारे पूर्वज हमें बता के गए हैं अच्छे संस्कार, इसको आदान प्रदान इसका करें अच्छे, इसकी मैं मनोकामना करता हूँ। और ना सिर्फ यहीं तक रुकने का, इसे हमें आगे लेके जाना है, ना सिर्फ आगे लेके जाना है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमें अपने लोगों को साथ रखना होगा, हमें लोगों को साथ में आना पड़ेगा, एकजुट होकर हमें अपने मांगों को रखना होगा, इसकी मैं मनोकामना करता हूँ। इसके साथ मैं ये जो अपना कार्यक्रम आज जो मुझे बोलने का मौका मिला है, इसको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा आशा मैम और जो ताराराम सर का, कि उन्होंने निरंतर प्रयास हमारे वंचित दलितों सभी शोषित वर्गों का हमारे आदिवासी समुदाय को एक साथ जोड़ने का, और आप कह सकते हैं कि 50 वर्ष जो कंप्लीट होने वाले हैं जो उन्होंने ताराम सर ने शुरू किया था भोपाल से गोंडवाना दर्शन पत्रिका के रूप में, आज आप देख सकते हैं आज साथ ही साथ कितने लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे, ये बहुत ही सराहनीय है, और मैं इसकी मनोकामना करता हूँ कि आगे भी इसी तरह हम इसी को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं लॉन्ग बी रिंगती आपसे अलविदा कहना चाहूँगा, और मेरे भाइयों कुछ मेरे से गलती हो गई तो मैं आज अपने पहली बार लाइव जा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलती की हो, तो इसी के साथ मैं लॉन्ग बी रिंगती यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।